फिजिक्स में हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो और अपना वजन भी रखती हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं, यानी कि मादा। हर चीज़ कुछ ना कुछ वजन और जगह तो घेरती है, इसलिए तमाम चीज़ें मैटर होती हैं। और मैटर जो है इसे हम लोगों ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जिसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, दूसरा गैसेस हैं, देन हमारे पास सॉलिड्स आ जाते हैं, और फिर फोर्थ वन टाइप जो है वो प्लाज्मा है। हम यहाँ पर फ्लूइड के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड जो है कोई भी बहने वाली चीज़ होती है, ये लिक्विड की टाइप ही है, यानी कि लिक्विड और फ्लूइड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह से सॉलिड की दो सर्फेसिस को आपस में हम लोग स्लाइड करें तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ रगड़ की कुवत या फ्रिक्शन होती है, इसी तरह जो फ्लूइड्स हैं इनकी दो लेयर के दरमियान, टू लेयर के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं, यानी कि इसे मैं कहूँ कि जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस हैं इसे हम लोग कहते हैं कि ये विस्कोसिटी है। लिक्विड्स के लिए इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस जो हैं उन्हें हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जिस तरह से सॉलिड में अगर दो सर्फेसिस को आपस में रबड़ किया जाए तो उनके दरमियान जो रगड़ की कुवत होती है उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। सिमिलरली फ्लूइड्स की टू लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं दो लेयर के दरमियान में, यहाँ पे टू लेयर्स हो सकती हैं, यहाँ की टू लेयर्स हो सकती हैं, या ये टू लेयर्स हो सकती हैं, डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस होती है उसे हम लोग लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी का नाम देते हैं। ये जो विस्कोसिटी है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर क्या है फ्लूइड का, और दूसरी चीज़ नेचर ऑफ फ्लूइड क्या है। पहली चीज़ हमारे पास टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड्स है ना, और दूसरी चीज़ की नेचर ऑफ फ्लूइड्स क्या है कि किस किस्म का जो है फ्लूइड है, आया कि वो थिक है या कम थिक है, जिस तरह की नेचर होती है उसकी। जैसे कि वाटर है वो कम थिक है एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्लड के, इसी तरह जो हनी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, और जिस तरह से कोई चीज़ ज़्यादा थिक होती है उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो हमारा जो ब्लड है 37 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड विस्कोसिटी वो ये है 4×10⁻³⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी यूनिट जो है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी है 37 डिग्री सेल्सियस पर वो इतनी है, क्योंकि विस्कोसिटी का रिलेशनशिप जो है वो, क्योंकि इसका फैक्टर है टेम्परेचर, तो हर टेम्परेचर पर हर चीज़ की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। और ये उसका नेचर था कि हम लोगों ने ब्लड की विस्कोसिटी डिफाइन बताई है, इसलिए हम लोगों को ये दोनों फैक्टर बताना पड़ते हैं कि कोई भी जो फ्लूइड है उसका नेचर और उसका टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की कितनी होती है। अगर वाटर की विस्कोसिटी बताऊं कि हमारे जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसकी विस्कोसिटी जो आती है वो है तकरीबन 0.8×10⁻³⁻³, और जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो मरकरी है उसकी भी विस्कोसिटी होती है, अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस पर उसकी विस्कोसिटी बताना चाहूँ तो इसकी तकरीबन 6.0×10⁻³⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। तो जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर डिफरेंट करते जाएंगे, हर चीज़ के हर मटेरियल की जो है विस्कोसिटी वो भी डिफरेंट होती जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द फ्लूइड के साथ होता है। ये तो विस्कोसिटी थी, अब फ्लूइड की अगली नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेट्स से कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका फ्लूइड है जिसके अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट शो करता है तो ये पर इसके वजन के बराबर ही एक फोर्स लगती है, वो फोर्स सब तरफ से लग सकती है, ऊपर से नीचे से हर तरफ से, यानी कि इस तरह से अगर मैं कहूँ ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो इस पर इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी फोर्सेस अप्लाइड हो रही होती हैं जो इसको, इसकी मोशन को अपोज करती हैं और इसके वेट के इक्वल होती है। ये जो फोर्स है जिसकी मोशन को अपोज करती है इसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, और इसे FD से जाहिर करते हैं, इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। जब कोई भी चीज़ फ्लूइड के अंदर जो है फ्लो करती है तो उसकी मोशन को जो फोर्स अपोज करती है उसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो उसके मास की वजन के इक्वल होती है, यानी कि वेट के, और वेट जो है वो mg के इक्वल है।
जिस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड, अगर जिस तरह से इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है बढ़ती चली जा रही है, तो इस पर जो एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स है जिस पर एक्ट कर रही है इसकी वेट के इक्वल, वो भी उसी रेशो से इंक्रीज करती चली जा रही है। अगर आप इसकी एग्जांपल को इस तरह से देखें कि जब गाड़ी स्टार्ट की जाए, गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड पर जा रही हो, तो जो एयर है वो उसकी मोशन को अपोज करती है। जो एयर है, अगर ये बहुत तेज़ी से आपकी जो कार है ट्रैवल कर रही है, तो जो एयर चल रही होती है वो इस वक्त आपकी इस कार की मोशन को अपोज करती है। इसी तरह अगर आप तेज़ी से चलते हुए कार की विंडो से अपने हैंड को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, तो आप अपने हैंड पर एक फोर्स फील करते हैं जो कि आपके हैंड को पीछे की तरफ मूव करती है। वो भी एक किस्म की ड्रैग फोर्स ही होती है जो कि आपकी मोशन को अपोज करती है। सिमिलरली इसी तरह की भी ड्रैग फोर्स फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं जब वो उन फ्लूइड के अंदर मूवमेंट शो करते हैं। ये जो ड्रैग फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है जब वो मोशन करते हैं फ्लूइड के अंदर, तो इसे मुझे एफ डी लिखना चाहिए, स्मॉल डी की तरह। ये स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है कि ये ड्रैग फोर्स है। ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमारी ड्रैग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि हमारे इस ऑब्जेक्ट का रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कि मुझे कहना चाहिए कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता चाहेगा, चाहे वो सर्कल में है या इररेगुलर शेप का कुछ भी है, तो हम उसका रेडियस भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितना आपका बड़ा ऑब्जेक्ट होता जाएगा उतना ही बड़ा आपका रेडियस भी होगा, और जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा तो मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट भी बड़ा है और इस पर लगने वाली फोर्स भी बड़ी होती जा रही है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके मुकाबले में उतनी ही उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। तो जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है, उस तरह से आप पर लग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज कर रही है। और जिस तरह से इस ऑब्जेक्ट की जो इस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट शो कर रहा है, जितनी तेज़ी से वो मूव करता है उतनी ही तेज़ी से ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती है। यानी कि ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है स्पीड से, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड से जो फ्लूइड के अंदर मूवमेंट शो कर रहा है। और चूँकि हमें मालूम है कि हमारे फ्लूइड के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं जिसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, वो विस्कोसिटी भी हमारी ड्रैग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर हम इसे समराइज करूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है जो फ्लूइड के अंदर होती है ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है, वो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, प्रोडक्ट के, हमारे विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसकी स्पीड के। और अगर इस डायरेक्टली रिलेशन को ख़त्म किया जाए तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट अप्लाई किया गया है वो 6 pi है, और ये थीटा आर और वी, ये ड्रैग फोर्स है। इसे स्टोक्स लॉ भी बोला जाता है। इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कि ड्रैग फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स है वो प्रोडक्ट के इक्वल है विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी वेलोसिटी या स्पीड के प्रोडक्ट के इक्वल होती है ड्रैग फोर्स। इसे फिजिक्स में स्टोक्स लॉ कहा जाता है। तो इस लॉ के मुताबिक जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स अप्लाई की जाती है, तो ये लगने वाली ड्रैग फोर्स हमेशा इसके रेडियस, वेलोसिटी और विस्कोसिटी के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। 6 pi तो एक कांस्टेंट है जिसे कि स्टोक्स ने खुद लेट किया था, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ये उसका एक लॉ है कि जो ड्रैग फोर्स है किसी भी बॉडी पर अप्लाई की जाए वो 6 pi थीटा आर और वी के इक्वल प्रोडक्ट के इक्वल ही होती है। अब इस तरह जैसा हम लोगों ने फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी का डिस्कस किया, इसी तरह फ्लूइड की कुछ टाइप भी होती हैं। यहाँ पर मैं कहूँ टाइप ऑफ फ्लूइड, इसकी टू टाइप हैं कि विस्कस और एक नॉन विस्कस। विस्कस फ्लूइड वो होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो, यानी कि उसकी विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो ना हो, तो वो फ्लूइड जो है वो विस्कस फ्लूइड कहलाता है। यानी कि उस फ्लूइड के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस अवेलेबल हैं, वो हैं, इसलिए हम लोग उसको उस फ्लूइड को विस्कस फ्लूइड कहते हैं। और एक ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, इसे हम लोग आइडियल फ्लूइड से कहते हैं, आइडियल फ्लूइड। नॉन विस्कस फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए,
यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस कोई भी मौजूद ना हो, बिल्कुल जीरो हो जाए, उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को हम लोग नॉन विस्कस लिक्विड कहते हैं और इसे आइडियल फ्लूइड भी कहा जा सकता है। इन दो टाइप के अलावा भी फ्लूइड की टाइप हैं, विस्कस और नॉन विस्कस, तो उनकी विस्कोसिटी के हिसाब से टाइप थी। लेकिन फ्लूइड के और भी टाइप हैं। एक फ्लूइड, अगर एक ऐसा फ्लूइड है जो जिसमें हर पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि जब वो इस पॉइंट पर होता है तो यहाँ से गुजरते वक्त भी उसकी वेलोसिटी वैसी ही रहती है जैसे इससे पीछे आने वाले पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो, यानी कि हर पार्टिकल की हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है या स्पीड वो अगर सेम है और ये फ्लूइड जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ इसकी फ्लो है, तो इसे हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो यहीं से हम लोग रेगुलर फ्लो भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर हर पार्टिकल की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहती है, जो बिल्कुल स्मूथली फ्लो करता है, रेगुलर फ्लो होता है इसका, तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो इसकी एग्जांपल्स में हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन वाइट एंड स्मूथ रिवर, फ्लो ऑफ वाटर इन वाइट एंड स्मूथ रिवर। बड़े बड़े दरियाओं या समुद्रों में जो पानी है बहुत खुली जगह पर बह रहा होता है तो उनका जो फ्लो होता है उस जगह पर वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होता है, रेगुलर होता है, स्मूथ फ्लो होता है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जेंटल ब्रीज होती है इसे भी हम लोग स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं, जेंटल ब्रीज जो है। इसके अलावा जो स्ट्रीम लाइन कार डिज़ाइन होती हैं उनके ऊपर जो फ्लो हो रहा होता है एयर का उसे भी हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं। सिमिलरली जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन के ऊपर जो पानी जिस तरह से बहता है जब वो पानी के अंदर स्विम करती है तो उस फ्लो को भी हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग वाटर अराउंड डॉल्फिन। इसी तरह इसकी एक और टाइप भी है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है और एक ऐसा फ्लो जिसमें जो है पार्टिकल्स उनके मूवमेंट बिल्कुल सेम ना हो, वो बिल्कुल इरेगुलर फ्लो करें, यानी कि हर पार्टिकल की हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी या स्पीड है वो सेम ना रहती हो, उनका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन ना हो, स्मूथ ना हो, बल्कि इरेगुलर सा फ्लो करें। जैसे कि अगर आप मोस्टली इनको किसी भी ऐसे पानी में डालें तो बिल्कुल इरेगुलर सा फ्लो सारी जगह पर स्प्रेड कर जाए, तो ऐसा जो फ्लो होता है जो इरेगुलर होता है तो उसे यहाँ एक पानी को रोक के एकदम से जब छोड़ा जाता है तो वो इरेगुलर फ्लो करता है, तो ऐसा जो फ्लो होता है उसे हम लोग टर्बुलेंट या इरेगुलर फ्लो कहते हैं। हम लोग कहेंगे ये टर्बुलेंट है या इरेगुलर फ्लो है। जैसे कि वाटर इन द फॉल ऑफ वाटरफॉल, हम इसमें वाटरफॉल की एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर फॉल की एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सी शोर पे वाटर होता है फ्लो करता है उसे भी हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर फ्लो एट सी शोर। ये सब टर्बुलेंट और इरेगुलर फ्लो के एग्जांपल हैं कि एक ऐसा फ्लो जिसमें बिल्कुल ही इरेगुलर सा फ्लो हो रहा हो, स्मूथ ना हो रहा, हर पार्टिकल की जो स्पीड है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये कुछ फीचर्स थे फ्लूइड्स के बारे में कि कौन सा फ्लूइड विस्कस है, कौन सा नॉन विस्कस है, ड्रैग फोर्स क्या होती है जो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, और स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क है। तो फ्लूइड्स के कुछ फीचर्स के बारे में था। होप सो आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गया होगा।